नमस्कार, मैं हूं नेहा वर्मा और आप देख रहे हैं समाचार एक्सप्रेस। कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज के डायरेक्टर सुरेंद्र कश्यप ने मेडिकल कॉलेज को हरा भरा करने और साफ सुथरा बनाने का प्रण लेते हुए आज एक बेहतर शुरुआत की। कॉलेज परिसर में आज 100 से अधिक पौधे लगाकर डायरेक्टर सुरेंद्र कश्यप ने संदेश दिया कि प्रत्येक व्यक्ति को पर्यावरण को स्वच्छ रखने के लिए अधिक से अधिक पौधे लगाने चाहिए। डायरेक्टर सुरेंद्र कश्यप ने कहा कि पेड़ पौधे हमारे जीवन का अभिन्न अंग है। पेड़ हमारे जीवन के साथी है। यह हमें जीवन जीने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करके प्राणवायु ऑक्सीजन उपलब्ध करवाते हैं। अगर पेड़ नहीं होते तो हमारा जीवन संभव नहीं होता। पेड़ ही हमारी प्रकृति है जो कि पूरी पृथ्वी को हरा भरा और खुशहाल बनाकर रखते हैं। पेड़ जीवन भर हमें कुछ ना कुछ देते ही रहते हैं, फिर भी हम अपने निजी स्वार्थ के लिए पेड़ों को काट देते हैं। आज यह बहुत ही विडंबना का विषय है कि जो पेड़ हमें जीवन दे रहे हैं हम उन्हीं को नष्ट करने पर तुले हुए हैं। वहीं पर डॉक्टर सुरेंद्र कश्यप ने आज कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज के स्टाफ सदस्यों एवं शहर वासियों से पॉलीथीन का बिल्कुल प्रयोग ना करने की अपील करते हुए कहा कि पॉलीथीन का बढ़ता हुआ उपयोग ना केवल वर्तमान के लिए बल्कि भविष्य के लिए भी खतरनाक होता जा रहा है। पहले जब खरीदारी करने जाते थे तो कपड़े का थैला साथ लेकर जाते थे, किंतु आज खाली हाथ जाकर दुकानदार से पॉलीथीन मांगकर सामान लाते हैं। पॉलीथीन जमीन का जल सोखने की क्षमता खत्म कर रही है, इससे भूजल स्तर गिर रहा है। सुविधा के लिए बनाई गई पॉलीथीन आज सबसे बड़ी असुविधा का कारण बन गई है। वहीं पर आज कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज में 2 दर्जन से अधिक जगहों को चिन्हित कर डस्टबिन रखे गए ताकि कॉलेज परिसर को और अधिक साफ सुथरा बनाया जा सके। डायरेक्टर सुरेंद्र कश्यप ने कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज को अधिक सुंदर और साफ स्वच्छ बनाने का उद्देश्य से क्या क्या कार्य किया, आइए सुनते हैं। अभी हमारे साथ मौजूद हैं कल्पना मेडिकल कॉलेज के डायरेक्टर डॉक्टर सुरेंद्र कश्यप। इनसे पूछेंगे कि सर, जो आज कार्यक्रम किए गए हैं सामाजिक कार्यक्रम, उनके बारे में क्या कहना चाहेंगे, क्या उद्देश्य है? देखिए, आज हमने 3 इवेंट्स का यहाँ शुरुआत आगे बढ़ाया है। एक तो था कि वृक्षारोपण किया जाए, ज़्यादा से ज़्यादा कैंपस में हरियाली हो, वृक्ष हो, छायादार वृक्ष हो, ताकि जो भी यहाँ आए उसको हरा भरा लगे और एनवायरनमेंट इम्प्रूवमेंट की तरफ भी कदम हो। तो उस दिशा में हमने तरह तरह के जो प्लांट्स हैं उसको आज लगाने की चेष्टा की है, जिसमें फ्रूट्स के भी कुछ प्लांट्स हैं, कुछ ऑर्नामेंट प्लांट्स हैं, कुछ छायादार वृक्ष भी हैं। तो वो हम सारे डॉक्टर्स, स्टूडेंट्स और कर्मचारी, तीनों वर्ग के लोग इकट्ठे होके एक हमने एक अभियान चलाया है, जिसमें लगभग अभी हमने 100 प्लांट्स आज लगाए हैं और उसको हम और आगे बढ़ाएंगे, ताकि हम चाहते हैं कि अगले 3-4 वर्ष में पूरा जो अभी भी हमारा ग्रीन कॉम्प्लेक्स है, बट इसको और हम ज़्यादा ग्रीन करना चाहते हैं, ताकि एनवायरनमेंटल फ्रेंडली हो, जो भी विजिट करें यहाँ उसको यहाँ सुविधाएं मिल सकें। इस अभियान की शुरुआत कब की गई सर? नहीं, हम हर साल ही करते हैं। आपने देखा होगा कि जब हमने इसको टेक ओवर किया था 2 साल पहले, तो लगभग ये कंक्रीट ही थी, क्योंकि काफ़ी पेड़ों का कटान करना पड़ा था इसको जब बना था, तो हम उसकी भरपाई करना चाहते हैं। और अब आप आज देखते हैं कि जगह जगह पर ग्रीनरी है, उस ग्रीनरी को हम और जहाँ जहाँ अभी स्पेस बचा है बाकी तो, और हमारे पास है लैंड अवेलेबल है, तो उस तक उस जगह को हम और ग्रीन करना चाहते हैं। तो ये हमारा वार्षिक कार्यक्रम है, हर साल ही करते हैं। डस्टबिन वगैरह के बारे में क्या? यस, दूसरी इवेंट हमने ये किया कि भी पूरा कचरा जो उसको प्रॉपर डिस्पोज किया जाए, उसको कलेक्शन प्रॉपर हो, क्योंकि कई दफ़े ये महसूस किया गया कि लोगों से पूछ के भी पता लगा, उन्होंने कहा कि डस्टबिन थोड़े से कम है। तो हमने कम से कम 20 या 25 स्थानों को चिन्हित करके, जहाँ पे ज़्यादा आवाजाही है, लोगों का फुटफॉल ज़्यादा है, वहाँ पे 2 कलर के डस्टबिन पार्क्स में लगवा दिए हैं या सड़क के किनारे लगवा दिए हैं, जो फिक्स होंगे और जो गीला कचरा और जो सूखा कचरा उसमें कलेक्ट किया जाएगा और उसको एक कलेक्शन के बाद वो डिस्पोजल के लिए चला जाएगा। इस तरह हॉस्पिटल के अंदर भी, चाहे इंडोर हो चाहे वो आउटडोर हो, जहाँ जहाँ भी हमें महसूस हुआ कि कमी है डस्टबिन की, उसको भी हमने पूरा किया है। तीसरा अभियान हमने, क्योंकि पखौड़ा सफाई पखौड़ा भी चल रहा है, उसको आगे ले जाते हुए हमने स्वयं मैंने भी और बाकी मेरे जो ऑफिसर्स हैं, स्टूडेंट्स हैं, उन्होंने सफाई अभियान में पार्टिसिपेट किया है। हमने कोशिश ये की है कि जो सारा पॉलीथीन जितना भी हो उसको इकट्ठा किया जाए और उसको प्रॉपर डिस्पोज किया जाए, क्योंकि पॉलीथीन एक ऐसी कचरा है जो आपको पता है कि डिग्रेड नहीं होता है और ये पर्यावरण के लिए बहुत खतरनाक है, हानिकारक है।
और इसके अलावा हमने एक आह्वान बच्चों को किया है और जो बाकी कर्मचारी हैं हमारे ऑफिसर्स हैं कि जब भी हम मार्केट जाएं और कुछ सामान खरीदें, चाहे वो फल हो या कोई और तरह का सामान हो, तो हम कभी भी जो सामान बेचने वाला है उसको यह कहें कि भी हम तो पॉलीथीन में सामान नहीं लेंगे, तो या अपना थैला ले जाएं या उनको कहें कि जो पेपर का थैला हो या डिग्रेडेबल प्रोडक्ट का थैला हो उसको ही यूज़ करें, चाहे अपना घर से कपड़े का ले जाना, जो पुराने ज़माने में यूज़ होता था कपड़े का थैला उसको यूज़ करें, लेकिन ये जो पॉलीथीन है इसको हमें कि हर हालत में डिस्करेज करना है। तो यह आह्वान हमने आज किया है और हम इसको, मैं स्वयं भी इसको अपनाता हूँ जीवन में, बाकी बच्चों को भी हमने यही कहा है कि आप बच्चों इसको अपनाइए और अपने जीवन का एक सिस्टम बनाइए, इसको वे ऑफ लाइफ बनाइए कि पॉलीथीन यूज़ नहीं करना, प्लास्टिक यूज़ नहीं करना।